सब्सक्राइब एंड लाइक डिजिटल खबरें फॉर मोर अपडेट्स। जहां एक तरफ प्राइवेट स्कूल कोविड पैंडेमिक में स्टूडेंट्स को एक पैसे की भी छूट देने तैयार नहीं है, वहीं मलाड मालवणी की होली स्टार इंग्लिश स्कूल का एक ऐसा नौजवान स्कूल ओनर है जिसने अपने स्कूल के 65% स्टूडेंट की पूरे साल भर की फीस माफ़ करने में मिसाल पेश की है। बच्चों की फीस माफ़ की, साथ ही जो ज़रूरतमंद परिवार है स्कूल के, इनके परिवार को राशन तक पहुँचाया। स्टूडेंट्स और टीचर की ज़रूरत पूरा करने के लिए अपनी बीवी के गहने तक गिरवी रख दिए थे, साथ ही अपनी बच्ची के लिए जमा की गई FD के पैसे भी खर्च कर दिए ताकि लोगों की मदद कर सके। सभी स्कूल ओनर्स को मुंबई के इस नौजवान से कुछ सीखना चाहिए। 35 साल के हुसैन शेख, जो मलाड मालवणी में होली स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल और ओनर है, उन्होंने कोविड पैंडेमिक में लोगों की माली हालत को देखते हुए अपने 1500 स्टूडेंट्स में से 1000 स्टूडेंट्स की एक साल की स्कूल फीस माफ़ की और बचे हुए 500 स्टूडेंट्स को जो फीस दे सकते थे उनकी फ़ीस में 15% से 50% तक की फ़ीस के कंसेशन भी दिया। इतना ही नहीं, साथ ही ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को स्कूल बुलाकर राशन की किट भी दे रहे हैं ताकि उनके घर में कोई भूखा नहीं सोए। आपने कितने बच्चों की फीस माफ करी और फिर क्यों? मालवणी लगभग बहुत ही करीब इलाका है और यहाँ पर हम पिछले 13 साल से स्कूल चला रहे हैं और हमारे पास 1500 बच्चे पढ़ रहे थे, जिसके अंदर से हमने 1000 बच्चों की पूरे साल भर की फ़ीस को माफ़ कर दिया। हमने ये ध्यान दिया कि बच्चों के घरों में खाने के लिए नहीं था और हमारे पास पेरेंट्स जब पिछले बार लॉकडाउन लगा तो खाने की रिक्वेस्ट लेके हमारे पास आ रहे थे, तो हमने हमारे पास जो पैसे रखे हुए थे, जो मैंने अपनी बच्ची की FD के लिए रखा था, वो पैसा मैंने पूरा का पूरा, हमने 20,000 राशन की किट बांट दिया पिछले साल में। और जैसे ही अभी ये नया साल चालू हुआ तो इसके अंदर वापस स्कूल शुरू करने के लिए, टीचर्स की सैलरी वगैरह के लिए हमको कुछ ज़रूरत पड़ी, तो हमने उसके लिए मेरी वाइफ का हमने दागिने को गिरवी करके उस पैसे से हमने स्कूल चलाया, जो कि स्कूल की माली हालत नहीं इतनी ठीक नहीं थी कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम खड़े हो पाए, क्योंकि मालवणी के अंदर हर बच्चों का अधिकार है कि उनको अच्छे से अच्छा उच्च स्तरीय शिक्षा मिले और यही कोशिश हमारी आगे भी रहेगी। कितना पैसा आपने रिव्यू किया है टोटल और कौन से क्लासों को किया है? हमने तकरीबन 80 लाख रुपए के आसपास हमने पैसा पूरा का पूरा माफ़ कर दिया। ये बहुत बड़ा पैसा था हमारी जैसी छोटी स्कूल के लिए, जिसकी फ़ीस मात्र 350 रुपया महीना है और लगभग ये पूरी प्री प्राइमरी और प्राइमरी के सेगमेंट की पूरी फ़ीस हमने माफ़ कर दी है। आखिर इस काम में कितनी खुशी मिलती क्या है? देखिए, जब इंसान इंसान के लिए काम आता है तो बेशक सबसे ज़्यादा उसके दिल को सुकून मिलता है, तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतरीन काम एक इंसान कर सकता था, जो मुझे मौका मिला और मैंने कर दिया। इतना ही नहीं, अपने गरीब स्टूडेंट्स की आगे की पढ़ाई चलती रहे उनके लिए स्कूल के बाहर एक सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स का डोनेशन बॉक्स लगाकर लोगों से अपने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मांग रहे हैं। स्टूडेंट्स की फ़ीस नहीं लेने की वजह से स्कूल की माली हालत इतनी ख़राब हो गई है कि इस नौजवान प्रिंसिपल ने अपने स्कूल की टीचरों की सैलरी देने और खुद के घर का चलाने के लिए अपनी बीवी के गहने को बैंक में गिरवी रखकर स्कूल और अपना काम चला रहे हैं। हुसैन सर ने इन काम के लिए अपने टीचरों को भी मनाया कि वो हाफ सैलरी में काम करें ताकि वो अपने इलाके में गरीब स्टूडेंट्स को आगे भी पढ़ा सके। हुसैन सर ने NGO की मदद से पिछले एक साल से ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स और आसपास के गरीब लोगों के घर में राशन किट पहुंचा रहे हैं। उनके इस प्रयास से स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स को काफ़ी राहत मिली है। जिन बच्चों की स्कूल फीस हुसैन सर ने माफ़ की है उनका आइए देखते हैं कि इनका हुसैन सर के बारे में और स्कूल के बारे में क्या कहना है। सॉरी सर, आपका नाम क्या है? सुनीता मिश्रा। मिश्रा जी, स्कूल ने किस तरह की आपकी मदद के साल भर की फीस माफ कर दी? यस सर, मेरी बेटी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो इन्होंने पूरा साल का फीस माफ़ किया और प्लस है ना, मुझे पूरा साल राशन किट भी मिलता रहा मंथ वाइज जो भी रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब भी बंद हो चुकी थी और रेंट पे हम लोग रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा फीस हम मेरा पेंडिंग रह गया था, तो सर ने वो भी क्लियरली माफ़ कर दिए और प्लस ये साल का भी 1000 रुपीज़ उन्होंने छूट दिए है। कितनी ऐसा इस तरह की जब बातें होती तो खुशी होती, दुआएं निकलती आप? यस सर, बिल्कुल। कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? मेरा नाम नीलोफर है और मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। कितनी फीस माफ कर दी आपके बच्चों की? समझिए के मतलब फ्री में पढ़ रहे मेरे बच्चे, मैंने अभी तक फीस भरी नहीं है।
फीस नहीं भरने की वजह से कई बच्चे स्कूल की शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में उन सबको फोन कर सभी स्टूडेंट्स को स्कूल बुला रहे हैं। बीवी के गहने और बच्चे के लिए जमा किए FD की रकम तक लोगों की मदद करने वाले हुसैन शेख ने लोगों से अपील की है कि लोग भी अपनी मदद का हाथ बढ़ाएं ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके।